hello dear students how are you today i am your math teacher nupur kulheri today we are going to start a new chapter chapter number 13 surface areas and volume class 10 so let us first see what we are going to study in this chapter introduction first we will study introduction in the introduction part we will recall certain definitions of three-dimensional objects which we have already studied in our junior classes then

जैसे कि एक स्पेयर है क्ले है उसे हम कभी सिलेंडर बना रहे हैं कभी कोन बना रहे हैं जो रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका हमें कभी हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा कभी रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा बट जो वॉल्यूम है दैट इज गोइंग टू बी फिक्स ठीक है वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन फ्रस्टम ऑफ कोन हमने नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ा था, था एक न्यू टॉपिक है कौन क्या होता है फ्रस्टम ऑफ कौन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन सरफेस एरिया की सरफेस एरिया क्या होता है द एरिया ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ ऑफ द द द टोटल एरिया ऑब्जेक्ट दर्फेसाइड कोई भी हमारे पास थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है उसका हम सर्फेस एरिया फाइंड आउट करते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर हम फाइंड आउट क्या करे थे एरिया ठीक है जो प्लेन में हम फिगर बनाते हैं जैसे बोर्ड है बोर्ड इज अ प्लेन ठीक है तो प्लेन में बनता है रेक्टेंगल सर्कल स्क्वायर उस केस में हम इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं ठीक है बट जब हमारे पास थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जैसे कि कोई भी हेमस्पेयर है ठीक है स्पेयर है है डिफरेंट डिफरेंट शेप उनके हम क्या फाइंड आउट करते हैं सरफेस एरिया कि उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उनके सरफेस में ठीक है नेक्स्ट आता है कर्व सरफेस एरिया द कर्व सरफेस एरिया एरिया ऑफ ओनली कर्व्ड सरफेस

वॉल्यूम वॉल्यूम इज द मेजर ऑफ द कैपेसिटी डेट एन ऑब्जेक्ट होल्ड कोई भी ऑब्जेक्ट कितना होल्ड कर सकता है डैट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ डेट ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है जैसे कि हम कोई कंटेनर लेते हैं उसके कैपेसिटी है वन लीटर मतलब उसके अंदर वन लीटर लिक्विड या वन लीटर वाटर आ सकता है ठीक है तो वो उसका वॉल्यूम हो गया ठीक है अभी आप उस वन लीटर को दूसरे वाले कंटेनर में शिफ्ट करते हैं जिसकी जो कैपेसिटी है वो टू लीटर है ठीक है तो उसका वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा डैट विल रिमेन वन लीटर चाहे आप उसको कितने भी मेजरमेंट के कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिए ठीक है तो बेसिकली वॉल्यूम क्या है कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू होल्ड कितना उसका होल्ड करने की कैपेसिटी है ठीक है कितना उसको भरा जा सकता है हिंदी में अगर अपन बोले तो ग्लास में कितना पानी भरा सकता है वो उसका वॉल्यूम है नेक्स्ट अपन आ जाते हैं डिफरेंट थ्री डी शेप्स के ऊपर हमने पहले भी देख रखे हैं क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर कोन स्पेयर एक हेमस्पेयर भी होगा फिर आगे हमारे पास फ्रस्टम भी होगा ये सब थ्री डी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने जूनियर क्लासेस में देखे हैं ठीक है पहला आता है क्यूबॉइड क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ठीक है टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है टू बी प्लस बी एच प्लस एच जैसे कि हमारे पास एक क्यूबॉइड ब्रेथ बी एंड हाइट एच ठीक है, है L, H, तो इसका टोटल सरफेस एरिया मीन्स जितने भी इसके फेसेस हैं क्यूबॉइड कितने फेस होते हैं सिक्स फेस सिक्स फेस का एरिया सम अपन कर देंगे सिक्स फेस का सम तो उसका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया नेक्स्ट आता है लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ फोर वॉल्स टू एच एल प्लस बी ठीक है टू टाइम्स h l प्लस बी देन वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सबसे ईजी फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट l इंटू बी इंटू एच लेंथ ऑफ डाइगनल एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट पूछ लेते हैं लेंथ ऑफ डायगनल क्या होती है तो लेंथ ऑफ डायगनल क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये फॉर्मूला हमें याद हो जाना चाहिए लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ क्यूबॉइड नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूब तो क्यूब क्या है क्यूब भी सिक्स फेस का थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और हर एक फेस किस शेप का होता है स्क्वायर के शेप का ठीक है क्यूबॉइड के अंदर हर फेस रेक्टेंगल के शेप का होता है तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या क्या आ गया सिक्स ए स्क्वायर देखिए अभी आपको बताया कि हर एक फेस इज लाइक अ स्क्वायर तो स्क्वायर का एरिया अगर आपको एच ए दी हुई है ठीक है तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए ए स्क्वायर सिक्स फेस है तो सिक्स इसी तरह से लेटर सरफेस एरिया एल एस लेटर सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ फोर वॉल्स एक फेस का एरिया है ए इंटू ए ए स्क्वायर फोर वॉल्स होगी तो क्या हो गया फोर इंटू ए स्क्वायर वॉल्यूम क्यूबॉइड क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यहाँ पे लेंथ भी ए है ब्रेथ भी ए है हाइट भी ए है सो ए इंटू ए इंटू ए इज ए क्यूब ठीक है देन लेंथ ऑफ डाइगनल अंडर थ्री जैसे कि हमारा जो क्यूबॉइड था उसके अंदर लेंथ ऑफ डाइगनर वॉज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन केस ऑफ क्यूब लेंथ इज ए स्क्वायर ब्रेथ इज़ ए स्क्वायर प्लस हाइट इज ऑल्सो ए स्क्वायर तो इट विल बिकम अंडर रूट थ्री ए स्क्वायर देखिए ए तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा क्या बचेगा अंडर रूट थ्री एक्स्ट आ जाता है हमारे पास सिलेंडर ठीक है तो टोटल सरफेस एरिया टू पाई आर एच प्लस आर ठीक है इनका डेरिवेशन हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं अभी सिर्फ इनको रिकॉल कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया सी एस ए टू पाई आर एच ठीक है कर्व सरफेस एरिया ये देखिए रिंग के ऊपर रिंग रखेंगे अपन एच हाइट तक तो रिंग का जो सर्कम होता है टू पाई आर होता है ठीक है और एच हाइट तक रख रहे हैं सो इट इज़ टू पाई आर एच ठीक है टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया टू पाई आर एच में एड करना है टॉप पोर्शन प्लस बॉटम टॉप भी हमारे पास किस शेप का है सर्कल के शेप का तो प्लस पाई आर स्क्वायर और बॉटम भी हमारे पास सर्कल के शेप का है तो पाई आर स्क्वायर दो टाइम ऐड कर रहे तो टू पाई आर स्क्वायर ठीक है तो ये क्या हो गया टू इज कॉमन पाई इज कॉमन आर इज कॉमन टू पाई आर एच प्लस आर ये इसका टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वाच पाई आर स्क्वाच मीन्स डिस्क के ऊपर हम डिस्क रख रहे ठीक है डिस्क जो होगी उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच हाइट तक रखा तो पाई आर स्क्वायर एच ठीक है नेक्स्ट कम कौन कौन आइसक्रीम कौन जोकर की कैप ये सब किस शेप के होते हैं हमारे पास कोन के शेप के जिसकी रेडियस है यहां से यहां तक आर एच ये हाइट और देखिए इसमें एल हमारे पास हाइट भी होती है ये एल है उसकी स्लेंट हाइट तो स्लैंडल प्लस आर कर् सरफेस एरिया सी एस ए पाई आर एल एल क्या है यहाँ पे स्लेंट हाइट और एल जो होती है डेट इज अंडर रूट एच स्क्र प्लस आर स्क्वाटेंट फॉर्मूला है कई बार काम आएगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा वन अपॉइंट थ्री पाई आर स्क्वाच ठीक है का, तो ये क्या हो गया थ्री टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है चलिए आगे चल दिए स्पेयर के ऊपर स्पेयर पता है हमें बॉल जो होती है स्पेयर होती है चलिए हमारे पास एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस आर है हमारे पास उसका टोटल सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायेर वॉल्यूम फोर पॉइंट थ्री पाए आर क्यूब ठीक है नेक्स्ट हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर क्या होगा स्पेयर का हाफ ठीक है बॉल को बीच में भी से काट दीजिए कटोरी का ठीक है वो होता है हेमिस्फीयर जिसका रेडियस हमारे पास आर टोटल सर्फेस एरिया थ्री पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया सी एस टू पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम जो है वो स्पेयर का हाफ हो जाएगा वॉल्यूम स्पेयर का फोर पॉइंट थ्री था तो ये टू ओ थ्री हो जाएगा फोर अपॉइंट थ्री टू से डिवाइड कर दो तो टू ओ थ्री पाई आर क्यूब ठीक है तो इस वीडियो के अंदर हमने सारे फॉर्मूले जल्दी से रिकॉल कर लिए हैं जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं अगर फॉर्मूलेज नहीं याद हैं तो फॉर्मूले याद कर लीजिए क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन भी नहीं होंगे तो आप इन फॉर्मूलाज को एक टेबुलर फॉर्म में अपनी टेबल पे स्टडी टेबल पे लगा लीजिए और आते जाते उठते बैठते बस पूरे टाइम फार्मूला याद करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर